नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अर्पिता आर्या। आपको बता दें, योगी आदित्यनाथ ने सीधा निशाना असदुद्दीन ओवैसी पर साधा है और कहा है कि ऐसे लोगों से बचकर रहना चाहिए। आपको बता दें, बड़ी खबर इस वक्त आ रही है असदुद्दीन ओवैसी पर, सीएम योगी का बड़ा हमला। कानपुर में मौजूद थे जेपी नड्डा के साथ, मंच साझा किया, माहौल बिगाड़ने वालों से निपटना जानते हैं। ये बात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से, ओवैसी राज्य का माहौल बिगाड़ रहे हैं। आपको बता दें, ओवैसी ने हाल ही में बयान दिया था कि सीए एनआरसी के मुद्दे पर भी वो इसको पीछे लेना चाहिए, नहीं तो इस पर भी वो धरना देंगे, प्रदर्शन करेंगे। जिसको लेकर सीएम योगी जब आज कानपुर में मौजूद है तो कहा कि माहौल बिगाड़ने वालों से उनको निपटना आता है, वो निपटना जानते हैं। उन्होंने साथ ही साथ ये भी कहा कि कुछ लोग माहौल बिगाड़ना चाहते हैं। सीधे तौर पर निशाने पर ओवैसी को लिया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने और ये कहा कि जो लोग भी माहौल बिगाड़ना चाहते हैं उनसे निपटना हम बखूबी जानते हैं। बीजेपी राष्ट्र धर्म के लिए समर्पित पार्टी है, हम विकास के कामों पर आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन योगी आदित्यनाथ ने इस बात का जिक्र भी किया कि असदुद्दीन ओवैसी जैसे लोग माहौल बिगाड़ने की कोशिश करना चाहते हैं, जिससे निपटना हमें आता है। कि बूथ जीता तो चुनाव जीता, क्या बूथ जीता तो बूथ जीता तो क्या आप सभी लोग तैयार हैं? राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के सामने बोल रहे हैं आप, और गंगा का तटवर्ती क्षेत्र भी है, एक बहुत बड़े संकल्प के साथ जुड़ रहे हैं। इसलिए भाइयों बहनों, मैं आप सबका, आप इतनी उत्साह के साथ यहां पर आए हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को सुनने के लिए आए हैं, आप सबका भी मैं अभिनंदन करता हूं। राष्ट्र